हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में आज क्या खास होने वाला है आज आपको बताता हूं। देखिए एक्सेल में यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कीबोर्ड लिखा हुआ है और यहां पे अगर कीबोर्ड लिखा है तो यहां वन पीस आ रहा है। ठीक है, ये मैंने वन पीस किया है। ठीक है, और यहां पर देखिए यहां पर मैं अगर माउस करता हूं, एम ओ यू एस ई माउस, ठीक है, ये लाइक एम ओ यू एस ई, तो ये माउस कर दिया तो यहां पे देख रहे हैं टू पीसेज आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं वन लिखता हूं, वन, ठीक है, केवल वन लिखता हूं, देखिएगा तो यहां वन पीस आ रहा है। ठीक है, लेकिन यही चीज मैं अगर टेन लिख देता हूं, ये देखिए ये मैंने टेन लिखा तो यहां पे आ रहा है टेन पीसेज। ठीक है, यहां पे आता हूं तो यहां पे लिखता हूं एल ई एलईडी मॉनिटर कर दिया हमने, और यहां पर अगर मैं आता हूं इस वाले कॉलम में, इसको पहले विड्थ बढ़ा लेता हूं, यहां पर डबल क्लिक करेंगे विड्थ बढ़ जाएगी थोड़ा सा, और यहां से अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं 12 तो यहां पे देख सकते हैं 12 पीसेज आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज मैं यहां पे एलसीडी मॉनिटर या एलईडी मॉनिटर कुछ भी लिखता हूं और यहां पर आता हूं, यानी ये D6 वाले कॉलम में, और यहां पे 1 करता हूं, जैसे ही मैंने 1 किया तो यहां पीस आ रहा है, और जैसे ही आप देख रहे हैं एक से ज्यादा की बात की जा रही है तो यहां पीसेज आ रहा है। अगर मैं यहां पे 2 भी कर देता हूं तो भी पीसेज ही आएगा, तो यहां देख सकते हैं पीसेज आ रहा है। तो ये मैंने कैसे किया इसके बारे में आज आपको बताऊंगा, तो आराम से ये वीडियो देखते रहिए। अब देखिए यहां कीबोर्ड लिखा हुआ है और यहां पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया गया है, तो इतने पार्ट को जहां पर आपको ये लगाना हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और आप कीबोर्ड से कंट्रोल 1 बटन प्रेस कर सकते हैं अल्फाबेटिक, या फिर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहां पर ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यहां पर आप फॉर्मेट सेल्स पे चले जाइए और यहां से आ जाइए कस्टम पर, यहां पर जनरल लिखा हुआ है इसे हटा दीजिए। अब आपको यहां लिखना क्या है वो समझिए, फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और यहां पे इज इक्वल टू 1 करता हूं मैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1 कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद हैश का सिंबल लगाइए। ठीक है, और यहां पर आइटम ITEM ये कर दिया मैंने आइटम, और अब हमें डबल कोट्स को क्लोज करना है और सेमी कॉलन लगा लेना है। सेमी कॉलन यानी ये खत्म हो गया, ये प्रोग्राम खत्म हो गया, इसका मतलब ये हुआ। अब फिर वापस से हैश सिंबल लगा लीजिए और फिर गैप दे करके यहां पे अब आपको क्या देना है, आइटम्स देना है, ITEMS। ठीक है, और क्लोज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहां पर ओके प्रेस कर देना है। अब यहां पर वो फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर जैसे ही आप एक कीबोर्ड की बात करेंगे तो यहां पर एक आइटम लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं 1 आइटम लिखा हुआ आ रहा है, और यहां पर मैं कीबोर्ड देता हूं फिर से वापस से, तो ये कीबोर्ड दे दिया, और यहां पर अगर मैं 4 कीबोर्ड की बात करता हूं तो आइटम्स अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। फिर यहां पर अगर माउस करता हूं मैं एम ओ यू एस ई, तो अगर एक से अधिक यानी 2 माउस की बात कर लेते हैं तो यहां अपने आप आइटम्स आ जाएगा, ये देखिए ये आइटम्स आ गया। और यहां पर आता हूं तो यहां पर कुछ और ले लेते हैं, जैसे एलईडी कर लेते हैं, एलईडी। ठीक है, तो ये एलईडी किया और एक एलईडी होगी तो यहां पे 1 आइटम अपने आप आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ऐसी ही एक्सेल के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने के लिए खासतौर पर और टैली प्राइम सीखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल शीट और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी लैंग्वेज, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML और अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी खास एक चल रहा है हमारे यहाँ कॉटलिन, तो कॉटलिन भी सीखना चाहते हैं अगर बिगिनर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।